तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं UPPSC समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी RO AR रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो इस वीडियो में जानेंगे इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपके एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, सैलरी कितनी मिलेगी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, सभी तमाम जानकारी आपको एक ही वीडियो में देंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा। यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो एक वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाती है। उसके बाद सिंपली आपको अपना फॉर्म भरना है और आपको अपनी तैयारी करनी होती है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में भी स्टूडेंट्स शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए सभी दोस्तों भाइयों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। सबसे पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट्स को समझ लेते हैं। आपका जो डेट है फॉर्म भरने का वो 9/10/2023 से लेकर 9/11/2023 तक आपका फॉर्म भरने का डेट रखा गया है। ये एडमिशन डेट एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले आ जाएंगे, जो कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से या फिर ऑफिशियल के नाम से चैनल है, आप उससे जाकर जुड़ जाइए ताकि आपको सारे अपडेट्स वहाँ पे हम देते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। जनरल OBC EWS के लिए 125 रुपीज़ का फीस लगेगा, ST SC के लिए 65 रुपीज़ का, PH कैंडिडेट के लिए 25 रुपीज़ का फीस लगेगा। इस फी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। आपका जो एज लिमिट है वो 1/7/2023 से काउंट किया जाएगा, जिसमें कि मिनिमम एज 21 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम एज 40 ईयर होना चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे। इस बार जो वैकेंसी निकाला गया है वो 411 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। इस वैकेंसी में अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं और पोस्ट यहाँ पे सिर्फ दो ही हैं, एक सहायक समीक्षा अधिकारी और एक समीक्षा अधिकारी। डिपार्टमेंट अलग अलग है, आप किसी भी डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट है, जैसे कि आपके डिपार्टमेंट है आपका यहाँ पे बोर्ड रिवेन्यू का, फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट है सेक्रेटरिएट का, यहाँ पे भी बोर्ड रिवेन्यू का, यहाँ पे डिपार्टमेंट है UPPSC का, ठीक है। तो ये सभी क्या है डिपार्टमेंट है। अब हम समझ लेते हैं इसके रिगार्डिंग जो टोटल पोस्ट है आप उसे भी यहाँ पे देख सकते हैं, आप कैटेगरी सॉरी डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा हाई लेवल का कुछ नहीं रखा गया है। यहाँ पे आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी से यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका इंडिया के बैचलर डिग्री प्राप्त होना चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है इस पर्टिकुलर 3 पोस्ट के लिए। और नीचे के बचे हुए 3 पोस्ट जो हैं, इस 3 पोस्ट के लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए, टाइपिंग जो होता है आपका 25 वर्ड पर मिनट का हिंदी टाइपिंग आपके पास आना चाहिए आपको, ठीक है। और ओ लेवल का एग्ज़ाम का आप पास होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 पोस्ट के लिए रखा गया है। फिर लास्ट वाला जो फोर्थ पोस्ट है आपका सहायक समीक्षा अधिकारी अकाउंट का, इसमें क्या है, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स BCOM में मांगा गया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो ये आपके इसके रिगार्डिंग सभी अलग अलग पोस्ट है। यहाँ पे पोस्ट क्या क्या होगा, बैचलर डिग्री है किसी भी यूनिवर्सिटी से, दूसरा बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए टाइपिंग का, और तीसरे में है आपका कॉमर्स के लिए अलग अलग वैकेंसी है, अलग अलग के रिगार्डिंग आपके यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो कि हमने आपको समझा दिया और आपको समझ में आया होगा। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है UPPSC के द्वारा। तो आपको ये आगे हम इसमें आपको बताएंगे कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रखे गए हैं। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि आपका प्री होगा, फिर आपका मेंस होगा, और फिर आपका क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। प्री में क्या होंगे, आपके प्री में टोटल 200 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे, 200 प्रश्न, जिसमें कि 140 प्रश्न जो होंगे वो सामान्य अध्ययन के होंगे, और जो 60 प्रश्न होंगे आपके हिंदी से होंगे। सामान्य अध्ययन में आपके क्या क्या पूछा जाएगा, जो आप यहाँ से पढ़ के देख सकते हैं, और हिंदी में भी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। यहाँ पे जब आप प्री निकाल लेंगे तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन में आपके क्या होंगे स्टूडेंट्स, तो मेंस एग्जामिनेशन में आपके जो पेपर होंगे वो आपके 3 पेपर होंगे लगभग, खंड ए और खंड ब करके आपका पेपर होगा। खंड वन में क्या होंगे आपके, यहाँ पे सबसे पहले आपके सामान्य अध्ययन के पेपर होंगे, जो कि आपके प्रारंभिक परीक्षा जैसा ही होगा, 120 प्रश्न यहाँ पे भी पूछे जाएंगे, और सिलेबस जो प्रारंभिक परीक्षा में रखा गया है वो यहाँ पे भी होंगे। फिर नेक्स्ट उसमें आपका हिंदी होगा, फिर हिंदी में आपके 100 आपके प्रश्न होंगे सब्जेक्टिव टाइप के, जो कि आपको उसमें लिखना पड़ेगा, और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और ये सभी चीज़ यहाँ पे टोटल और कंप्यूटर ज्ञान से भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि आपके खंड 2 में जो होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आपके हिंदी के ऑब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और खंड 3 में आपके हिंदी निबंध से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो कि 120 अंक के क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पर टोटल जो होंगे आपके 120 160 और 120 टोटल 400 मार्क्स के आपके प्रश्न होंगे, किसमें आपके मेंस के एग्जाम में। जो स्टूडेंट्स मेंस एग्जाम से निकाल लेंगे और जो जिनका स्टूडेंट्स का मेंस एग्जाम से निकल जाएगा उनको देन फिर जिनका टाइपिंग टेस्ट है उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और जिनका क्या होगा आगे का प्रोसेस है उनको आगे प्रोसेस के लिए उनको भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इसके सिलेक्शन प्रोसेस होंगे, जो कि आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स समझते हैं कि यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेंगे। तो आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा वो लेवल 8 का सैलरी होगा, जिसमें कि आपका
कुछ पदों के लिए लेवल 7 का और कुछ पदों के लिए लेवल 8 का सैलरी रखा गया है, जिसमें कि 44,900 से लेकर 142,400 के बीच में लेवल 7 का सैलरी है और लेवल 8 का 47,600 से 151,000 के बीच में सैलरी है। यहाँ पर समझिएगा आपका ये जो बेसिक पे है, इसके साथ आपके अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं, जो कि आपका इतना होने के बाद आपका जो इनहैंड होता है वो 70+ हो जाता है, और यहाँ पर भी आपका अलाउंसेस जोड़ने के बाद आपका 70+ के आसपास ही होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके सैलरी स्ट्रक्चर हो गए, आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके काम के बारे में, आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो RO और AR को काम क्या होता है, जो भी आपके रिस्पॉन्सिबल ऑफिस में पेपर होते हैं उनका रिकॉर्ड रखना, उनको अच्छे से मेंटेन करना, ये सभी आपके काम होते हैं। और साथ ही साथ असाइन टास्क टू देयर सबऑर्डिनेट एंड टास्किंग अपडेट, आपको जो भी आपके सबऑर्डिनेट होते हैं उनको टास्क बताना होता है और उस टास्क को अपडेट करना पड़ता है, अपने ऑफिसर्स के सामने परफॉर्म करना पड़ता है। टाइपिंग एंड कलर टास्क, अगर आपको अर्जेंट है कोई, अगर आपके सबऑर्डिनेट अवेलेबल नहीं है तो आपको भी वहाँ पर टाइपिंग करना पड़ सकता है। इस कारण से कुछ पोस्ट में यहाँ पर टाइपिंग के लिए भी आपको मांगा गया है, ठीक है, कुछ पोस्ट में टाइपिंग नहीं भी मांगा गया है। नेक्स्ट आपका क्रिएट डिमांड लेटर, आपको डिमांड लेटर और रिकॉर्ड आपका पेंडिंग फाइल्स है, अगर उन सभी का आपको क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ता है और उनका डिमांड लेटर भी क्रिएट करना पड़ता है। ये सभी क्या है, इनके जॉब प्रोफाइल है, सभी कागज पत्र से रिलेटेड काम है, सिंपल है, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में आपको सभी जानकारी मिल गई होगी जो कि हमने आपको थंबनेल में प्रोवाइड करवाया था, जैसे कि आपके यहाँ पे सैलरी कितने मिलेगी, काम क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, एज लिमिट क्या होंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होंगे, सिलेबस क्या होंगे, सभी तमाम जानकारी हमने दे दिया है। तो वीडियो से बनने के लिए धन्यवाद, और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।